फिरोजाबाद मंगलवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। सुबह 9 बजे से प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन प्रत्याशी काफी देर से पहुंचे। नामांकन को लेकर ब्लॉक के प्रवेश द्वार पर सफाई कर्मचारियों को लगाया गया था, जिनके द्वारा सैनिटाइजर और उनके कागजातों को चेक किया गया था। SDM बुसरा बानो ने COVID-19 के नियमों का पालन करने के निर्देश देते हुए व्यवस्थाओं को देखा। SDM ने बताया कि शाम 5 बजे तक नामांकन किया जाएगा। नामांकन स्थल पर केवल प्रत्याशियों और उनके साथ ऐसे लोग जिन्हें परमिशन दी गई है उन्हें ही आने दिया गया। फिरोजाबाद से राहुल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। देखिए, हमारे यहाँ बैरिकेडिंग लगा दी गई है जगह जगह पे, और अंदर जो परिसर है उसमें सिर्फ जो प्रत्याशी हैं और उनके प्रस्तावक दो ही लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। इसके बाद प्रॉपर उनसे सोशल डिस्टेंसिंग करवाई जा रही है, एक गोला खींच के हम दूरी को उन्हें खड़ा कर रहे हैं। साथ में उनके थर्मल स्क्रीनिंग भी हो रही है, हर एक बंदा जो अंदर एंटर कर रहा है साथ साथ उसका जो प्रस्तावक है उसकी थर्मल स्क्रीनिंग भी और पल्स ऑक्सीमीटर से उसकी पल्स का ऑक्सीजन लेवल भी चेक कर रहे हैं। उसके बाद ही उसे अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। अगर बाई चांस किसी का भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो साथ में मेडिकल टीम भी हमारे यहाँ पर है, वो भी किसी भी तरह की चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार है। एम्बुलेंस का भी साथ पूरा ही COVID-19 की गाइडलाइंस है उसके थ्रू जो नामांकन के लिए समय क्या क्या रहा है। नामांकन का समय तो वैसे 9 बजे से था, लेकिन प्रत्याशी सुबह जो प्रस्तावक प्रत्याशी हैं जो हो सकते हैं सुबह 8 बजे से आ गए थे, तो हमारा पहला नामांकन 8:30 बजे हो चुका था। ये कब तक चलेगा मैम? शाम के 5 बजे तक। नामांकन ये कल भी होंगे?